नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमलेश। आप देख रहे हैं इंडियन टेक्नो माइंड चैनल को। दोस्तों रियलमी कह सकते हैं कि 2018 में सबसे पॉपुलर कंपनी रही जो कि इंडिया में काफ़ी धूम मचाया है। कारण ये था दोस्तों कि कम प्राइस में अच्छे अच्छे फ़ोन को लाना। बहुत सारे ऐसे फ़ोन लाए जो कि लोगों की जरूरत थी और बहुत सारे उसमें फीचर भी देखने को मिला जो कि कम प्राइस में देखने को मिल रहा था। तो लीक्स और रूमर्स निकल के सामने आ रहा है कि यहाँ पे रियलमी करने वाला है फिर एक नया धमाका, और ये ऐसा धमाका होगा दोस्तों कह सकते हैं कि कम प्राइस में अच्छा फ़ोन लाने वाला है। और जो लीक्स सामने निकल के आ रही है उसके अनुसार से कहा जा रहा है कि इस फ़ोन का जो प्राइस रहेगा दोस्तों बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा। यहाँ तक कहा जा रहा है कि रियलमी C1 से भी कम इस फ़ोन का प्राइस आपको देखने को मिलेगा। तो आज के वीडियो में इसी फ़ोन के बारे में बात करेंगे और क्या क्या फीचर आपको मिलेगा, क्या इसका प्राइस रहेगा और ये फ़ोन इंडिया में कब तक लॉन्च हो सकता है। तो इसके लिए आप लोग वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं क्या क्या फीचर मिलेगा आपको रियलमी के नए फ़ोन में। तो सबसे पहले बात करेंगे इस फ़ोन की डिज़ाइन की। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी आपको मैं जानकारी दूंगा वो बिल्कुल जो भी है सो लीक सामने निकल कर रही है उसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। तो जो इसका डिज़ाइन रहेगा दोस्तों बाइक साइड में आपको देखने को मिलेगा वहीं पॉलीकार्बोनेट की बॉडी जो आपको रियलमी के फ़ोन में देखने को मिलते हैं, जो कि ग्लास जैसा लुक आपको देखने को मिल जाएगा। और डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन में आपको देखने को मिलेगा सिंपल सा नोच, लेकिन लीक्स निकल के सामने आ रहे हैं कि इसमें आपको वाटर ड्रॉप का भी नोच देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों मुझे नहीं लग रहा है कि आपको इतना कम प्राइस में वाटर ड्रॉप का नोच देखने को मिलेगा। और इस फोन का बात करें आप कैमरा की, तो जो लीक्स सामने निकल कर रहा है उसमें आपको बैक साइड में 12 या 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा देखने को मिल सकता है, और हो सकता है कि इसमें आपको डुअल कैमरा भी देखने को मिल जाए, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। और फ्रंट कैमरा इस फोन में आपको 8 मेगापिक्सल का देखने को मिल सकता है। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे प्रोसेसर की, तो इसका भी कोई लीक्स नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें आपको मीडियाटेक का P60 प्रोसेसर देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो पहला फोन था रियलमी का उसमें यही प्रोसेसर यूज किया गया था। बात करते हैं इस फोन की रैम और स्टोरेज की, तो इसमें जो लीक्स सामने निकल के आ रहे हैं उसमें आपको 2 वेरियंट देखने को मिल सकते हैं। जो पहला वेरियंट रहेगा आपका 2 GB रैम और 16 GB मेमोरी, और जो दूसरा वेरियंट रहेगा 3 GB रैम के साथ में 32 GB मेमोरी देखने को मिल सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं इस फोन में बैटरी की, तो इसमें आपको बैटरी बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाएगी, जो कि कहा जा रहा है कि आपको 4 mAh की बैटरी इस फोन में देखने को मिल जाएगी। बात करते हैं इस फोन की प्राइस की, तो दोस्तों इसका जो प्राइस रहेगा जो लीक्स और रूमर्स निकल के सामने आ रहे हैं उसके अनुसार से इस फोन का प्राइस आपको 5000 रुपए देखने को मिल सकता है। तो ये काफी अच्छी बात है दोस्तों, अगर 5000 में इतना कुछ आपको मिल जाएगा तो कह सकते हैं कि सभी फोन को किल कर देगा। इस प्राइस रेंज में जितने भी फोन आएंगे सबको बिल्कुल ये किल कर देगा दोस्तों, 100% मैं बोल रहा हूं। अगर ये फोन आ गया आपको 5 या 6000 के बीच में भी तो काफी धूम मचाएगा, और जो रेडमी का 6A है इसको भी काफी पीछे छोड़ देगा। तो काफी इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों, जैसे रियलमी का ये फोन आता है काफी हम सबके लिए इंटरेस्टिंग है। और ये फोन दोस्तों बात करें कब लॉन्च होगा, तो उम्मीद है ये फोन आपको जनवरी लास्ट या फरवरी फर्स्ट में आपको देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि माधव सेठ ने भी बताया था कि जनवरी या फरवरी में एक फोन रियलमी ला सकता है, तो हो सकता है कि ये फोन वही हो। और दोस्तों ये लीक में पता चला है कि आपको रियलमी A1 के सीरीज के साथ में फोन देखने को मिल सकता है। वैसे आप लोग कमेंट कर जरूर बताइए कि क्या ये फोन अगर आता है आपको 6000 के बीच में तो क्या इस फोन के लिए आप इंटरेस्टेड रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्या इस फोन का वेट कर रहे हैं कि नहीं करेंगे, जरूर कमेंट में बताइएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, जो भी लीक्स और रूमर्स था सोचा आप लोगों को जरूर बता दूं। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए कोई भी स्मार्टफोन की अपडेट सबसे पहले लाता रहता हूं। तो फिर मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय।